हाँ तो बच्चों, मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टाइम हो रहा है अप्रॉक्स लगभग 9:30 बज रहा है और अभी लाइट भी चले गई है। आप समझ सकते हैं कि हम टॉपर्स की कहानी आपको सुनाने के लिए बच्चों मतलब रात में भी टॉपर्स के इंटरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप इसके स्टडी जहाँ पर ये कर दी है ये वाला दिखाइए, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ के सबसे पहले देखो पापा का एक फोटो लगा है, ठीक है। ये इस बात को दर्शाता है कि नैन्सी अपने पापा से कितना प्यार करती है। और ये बगल में दिशा ऑनलाइन क्लासेस लिखा है, ऊपर देखेंगे वहां पर लिखा है अब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नैन्सी तुम टॉप करके दिखाओ, तो क्या तुमसे हो पाएगा? हाँ पापा हम चैलेंज लेते हैं, तो हम इसको बोले थे तुम मतलब कि टॉप करके दिखाओ, जो मांगेगी वो हम देंगे। तो ये मामूली चीज क्या मांगी हमसे? क्या मांगी है? कि काजू कतली। एक मिठाई है। अच्छा, काजू कतली मिठाई होता है। हाँ, इतना छोटा चीज क्यों मांगे पापा से पहले बताओ जी। हाँ, और भी तो कुछ मांग सकते थे। पापा मेरे लिए जितना त्याग किए हैं वो बहुत कम है। सर हम बताना चाहते हैं, जब हम पढ़ते थे, मेरा आँख खराब है तो हम चश्मे से पढ़ते हैं, तो मेरे पापा का भी आँख खराब था। हाँ। उसके बावजूद मेरे पापा चश्मा नहीं पहनते थे। अरे रे 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 रे। पापा के चश्मे से हम साल भर पड़े। अरे रे रे। पापा खुद खराब चश्मा पहनते थे लेकिन उनको एक बार भी कुछ नहीं बोलते थे। अच्छा चलो चलो, हो गया, समझिए चलो, है ना। तो प्यारे बच्चों वो चीज है, मुझे भी रुला देगी तो चुप जा। हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑन क्लास पे स्वागत है। मैं आप सभी को आज एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने भागलपुर के प्यारे बच्चों एक छोटे से गांव में रह करके इन्होंने ज़िला टॉपर तक का सफ़र हासिल किया है। प्यारे बच्चों ये कोई स्टेट टॉपर तो नहीं है, पर मैं कहूँगा ये स्टेट टॉपर से कम भी नहीं है। मेरे मन में आया कि जैसे हमको ना बिहार टॉप पढ़ाना है। अच्छा। तो हम बोले कि अच्छा दीदी, मतलब कोई थे अंकल या दीदी, तो उनसे पूछे कि सर मतलब दीदी हमको बिहार टॉप पढ़ाना है, तो बोली बिहार टॉप पर तुम कोचिंग में भी टॉप कर लो ना, वो भी बहुत है। तो हम उसी दिन से ठान लिए कि अब चलो कुछ भी हो जाए हमको तो यही करना है, जितनी मेहनत लग जाए, अब 4 घंटा सोना पड़े, 3 घंटा सोना पड़े, लेकिन करना तो हमको यही है। अरे इसके लिए तो मैं एक बार ताली बजाता हूँ बच्चों, सबसे पहले ना कि इतना बड़ा पहले बच्चों सोचना, मैं बताऊँ मुझे लगता है कि मेरा वाला कुछ कुछ गुण नैन्सी में है, पर इनका जो मेरे प्रति वो प्रेम था, जो आदर एक गुरु के प्रति मैंने देखा, वो एकदम काबिलियत तारीफ थे बच्चों। और उसके बाद ये लगातार मैसेज करती रही कि सर अगर मेरा 2-4-5 नंबर कम आ गया तो क्या आप मेरे घर पर नहीं आओगे, और लगातार कंटिन्यू मैसेज करते करते मैं यहाँ से गुजर रहा था बच्चों, तो मुझे आना पड़ गया। तो कभी ऐसा हुआ कि आप मुझसे पढ़ते हुए देखे हो इनको? आपसे ही पढ़ते हुए देखे। हम आंटी से कुछ जानना चाहेंगे, एक तो सबसे पहले कि आप मतलब कि गांव की उपमुखिया हैं, तो एक बहुत बार रहता है लोग कहते हैं ना कि देखते हैं इस बार उपमुखिया की बेटी एग्जाम दी है क्या रिजल्ट होता है। और जब आपको पता चलता है कि रिजल्ट भागलपुर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भागलपुर है और पूरे भागलपुर में 3रा रैंक, तो आपका उस समय मतलब कैसा आपको मतलब कि महसूस हो रहा था, आपका क्या रिएक्शन था, लोग कैसे आ रहे थे आपके पास, क्या था बताइए कुछ? हमको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था सर, और जब आप पढ़ाते थे ना सर तो हम देखते थे, तो हम सोचते थे कि हमारे बच्चों को भगवान मिल गया है, क्योंकि ऐसा टीचर एक भी नहीं है सर। अब दिन रात एकदम देखते थे, उतना ठंडा था, उतना कुहासा था, हम लोग रजाई से नहीं निकलते थे, लेकिन आप खड़े खर पढ़ाते थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है मतलब कि हम लोग पढ़ाते ताकि बच्चे भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं नीचे एकदम, अब कैसे नहीं कोई पढ़ाए, जैसे हम लोग लाइव जाते हैं 5,000, 6,000, 10,000 बच्चे आ जाते हैं, तो हमें वो चीज़ लगता है कि मतलब कि कहानी अगर अपने बारे में हम क्या ही बताएं, अपने बोलना ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। कई बार होता है बच्चों की, जैसे हम लोग लेट नाइट क्लास हुआ, 11 बजे तक क्लास ही हुआ आप लोग का, फिर मॉर्निंग में क्या पढ़ाना है ये भी सोचना पड़ता है ना, तो वो बनाते बनाते हम लोग का 12-1 बज जाता है। उसके बाद जब आप लोग एग्जाम टाइम में, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन हम 1 बजे से पहले खाना खाए, रात का भोजन 12-1 बजे 2 बजे खाना होता, फिर सो गए और फिर लेकिन मॉर्निंग में उठने का वो प्रेशर होता है। तो आपका मन में ऐसा कुछ था कि हम आए घर पे आपके?
हाँ खूब मन में था कि सर आए मेरे घर पे, हम भी मिले अच्छा बात करें। अच्छा तो जैसे आप वीडियो में मुझे देखे थे और यहाँ सामने से देखे तो क्या लगा, कुछ अंतर है? वही इंसान खूब अंतर लग रहा है। क्या अंतर लग रहा है? जैसे अंतर लग रहा है तो आप मेरे सामने बैठे, हमको खुशी का एकदम ठिकाना नहीं है। अच्छा ठिकाना नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप मतलब ना वो चीज सुना ना, जब कोई प्यार से बुलाता है तो फिर आना ही पड़ जाता है, वही चीज आना पड़ गया। ठीक है तो जी आप मुझे बताओ कि रोज मैसेज करना कि सर आना पड़ेगा, ऐसा क्या क्यों बुलाना था मुझे? जब हम तैयारी किए थे ना सर आपसे, तो हम उसी दिन ठान लिए थे कि आपसे मिलना है। अच्छा तो इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़ जाए संजय सर से मिलना, क्योंकि जब हम लोग देखते थे कि सर लगातार हम लोगों के लिए मतलब ऑनलाइन पढ़ाई में इतना रात रात भर सर एक जगह एकदम खड़े रह के हम लोग को पढ़ाते थे। अच्छा उस वाला क्लास याद है क्या? यादगार वाला क्लास शाम को 6 बजे शुरू किए थे और सुबह को 6 बजे थे। तो उसमें भी हम देखे थे सर भूखे प्यासे खड़े, तो हम सोचे कि सर जब हम लोगों के लिए इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा सर से मिलके खुशी जो होगा उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं। अच्छा तो मैंने पहले इसके पिछले वाले टॉपर्स की मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी। हाँ। जी, क्या आपने देखा था? हाँ सर, सारे टॉपर्स। मोटिवेशन मिला आपको? बहुत ज्यादा मोटिवेशन। हाँ। मिला। मैंने देखा आपकी कॉपी को लिखने का तरीका, आपकी हैंड राइटिंग और जो हमने पढ़ाया ऑनलाइन में, उसमें से बहुत सारे कंटेंट इसमें है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप ये बताना बच्चों को कि स्टार्टिंग में जैसे आप 9th से 10th में गए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब कि पहले कैसे मतलब कम पढ़ना होता था? नहीं, स्टार्टिंग से हर विषय को कैसे पढ़ा? स्टार्टिंग से ही हर विषय को सेम टाइम देना है। और सर जैसे बोलते थे संजय सर कि मतलब बच्चे जो है हिंदी और संस्कृत पे कम ध्यान देते हैं और यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग तो सर बोलते थे तो हम भी सोचते थे कि हाँ अगर सर बोल रहे हैं, सर को एक्सपीरियंस है 10 साल तो हम सारे सब्जेक्ट को सेम टाइम देते थे, हर सब्जेक्ट को रोज रिवाइज करते थे, डेली लाइव क्लास में जुड़ते थे और सर का जितना नोट्स था डेली पढ़ते थे। अरे वाह एकदम पूरा इसको हर चीज याद है स्टार्टिंग से। बच्चों मैं सही कहता हूँ कि ना लोग क्या समझते हैं कि हिंदी संस्कृत ही तो है लास्ट में हो जाएगा, पर बच्चों आप देखो सारा विषय 100 नंबर का होता है। अगर आप स्टार्टिंग से हर विषय को पढ़ोगे तब जाकर के आप भी टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे टॉपर्स की वीडियोस को देख करके अब तो कंपटीशन और बढ़ गया है, क्योंकि हर घर में जैसे आप दिखाना चाहेंगे इनकी, आपकी छोटी बहन है, क्या नाम है? पढ़ी है, उधर आप देख सकते हो, दिखाओ जी उधर, है ना, इस बार वो पढ़ी गई है 10th में। और ऐसे ऑलमोस्ट लगभग मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं, अधिकांश घर में उनका छोटा भाई या छोटी बहन है, वो लोग पहले से ही तैयार है। तो बच्चों सुनो, मामला बहुत इस बार बहुत दिक्कत भरा होने वाला है। आसानी से आपको जो वो ना टॉप 10 का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, जिला टॉपर भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। आप वो बताओ जब आपको टॉपर वेरिफिकेशन में वहाँ बुलाया गया था तो बहुत सारे बच्चे आए थे, 500 कुछ बच्चे आए थे, है ना, उसमें से 51 बच्चों को ही वहाँ पर रखा गया टॉप 10 में। तो क्या लगता है आपको कॉम्पिटिशन ज्यादा है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। यही वो फोन है नैन्सी का, जिस फोन की मदद से इन्होंने अपने 10th क्लास की लगभग पूरी तैयारी की है, और इस फोन के माध्यम से इन्होंने पूरे भागलपुर में तीसरा रैंक हासिल किया है। सही है नैन्सी? यस सर। हाँ तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है बच्चों कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सुदूर इलाके से हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा इलाका एकदम ऐसा नहीं है जहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है, तो मैं यहाँ से टॉपर नहीं बन सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। थोड़ा सा अगर मेहनत करती नैन्सी तो आपका इससे टॉपर मिलेंगे। हाँ सर, बिल्कुल पक्का। नैन्सी का पूरा 469 मार्क्स है ना, 69 यस सर, पूरे 500 में से बच्चों, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए जानते हैं नैन्सी के बारे में हर वो चीज़ जो एक बच्चे के मन में, नए स्टूडेंट के मन में होता है। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से हो सकता है? तो नैन्सी प्रिया उन सभी बच्चों के लिए जवाब है, ठीक है ना। इनका कहना है गुरुजी कि मैंने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कुछ ऑफलाइन पढ़ा था, फिर सर का जॉब हो गया तो मैंने पूरा का पूरा मैंने ऑनलाइन में पढ़ाई किया था। ठीक है अंकल जी, क्या ये बात सत्य है? जी सत्य है। अंकल जी सत्य क्या? सत्य है सर। बिल्कुल सत्य है। हाँ तो नैन्सी हम पूछना चाहते थे, जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारी कठिनाई भी उसमें आती है, जैसे कि हाथ में फ़ोन मिला तो जी बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह है, दिमाग वहाँ भी जाता है, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे अलग अलग चैनल की वीडियोस नीचे आ जाता है। तो आप इस सब चीज़ से कैसे निपटते थे, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते, नहीं हमको दिशा से ही पढ़ना है?
हम जो देखते थे पहले, मतलब जब हम प्राइस स्टार्ट करने वाले थे, पहले ही ठान लिए थे कि ऑनलाइन पढ़ना है, तो हम ना लगभग एक महीने तक रिसर्च किए थे, बहुत सारे चैनल को ढूंढे, लेकिन जो बात आपकी वीडियो में मिली ना सर, वो हमको और किसी में दिखती ही नहीं थे। आप जैसे एक बार पढ़ाते थे एकदम समझ में आ जाता था और बहुत अच्छे से। और हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना और कुछ, बस यूट्यूब है और सर का एप्लीकेशन और व्हाट्सएप। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका ना ये सोच क्लियर होना चाहिए कि आप किन से पढ़ने वाले हो। अब जिस संस्था से पढ़ने वाले हो, स्टार्टिंग में ही वो चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि नैन्सी ने किया, इन्होंने मन में ठान लिया कि हमें संजय सर से ही पढ़ना है, संजय सर के यूट्यूब से, संजय सर के व्हाट्सएप चैनल वगैरह में जुड़ना है, संजय सर के ही एप्लीकेशन से पढ़ना है, ऐसा फिक्स कर लो, है ना। नहीं तो फिर अगर आप भटकोगे जहां तक तो फिर नहीं हो सकता नहीं, है बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चीज मैं यही पूछना चाहता था आपसे कि इस चीज से कैसे बचे आप, है ना। तो मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा था। अच्छा, तो मैंने कभी गलत थंबनेल वगैरह से आपको भ्रमित तो नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो नहीं कुछ भी लिख दिया अंदर नहीं, कुछ सर, नहीं, नहीं। आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, वो सही होता है। चलो जी, बहुत खुशी मिलती है। और नोट्स वगैरह का, दिशा का क्या था, आपको उसमें क्या क्या योगदान रहा? नोट्स बहुत बड़ा योगदान रहा। जब लास्ट एग्जाम था तो सर सारा सब्जेक्ट का नोट्स डालते थे, वो हम रेडी मतलब रोज पढ़ते थे, ऐसा एक भी दिन नहीं होता होगा कि सर का नोट्स ना पढ़े। सर के नोट्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान। अरे मतलब इतना तो मेरे बारे में तो हम खुद भी नहीं जानते, इतना ये बता रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि पढ़ने का दो तरीका होता है, एक तो बच्चा मोबाइल लिया सिर्फ पढ़ रहा है, एक होता है, मैं कहता हूँ आप जब मोबाइल रखते हो तो कुछ कुछ साथ में जो जो मैं पूछ रहा हूँ लिखना भी है, तो आप कैसे करते थे? हम जो जो इम्पोर्टेंट जो आप बताते थे वो नोट करते जाते थे, नोट करते जाते थे। यानी कि बच्चों मतलब एक चीज सुने होंगे कि जब आपके पास कोई दूसरा चारा ना बचे, कोई उपाय नहीं बचे, तो फिर आपको वही करना पड़ता है। तो नैन्सी को भी लगा भाई इस ऑफलाइन वाले सर तो है नहीं, उनका जॉब हो गया, तो हमको पढ़ना ही है ऑनलाइन से। तो इन्होंने क्या किया कि उसी को एक कोचिंग समझ लिया मोबाइल को। यस सर। नहीं हाँ। मतलब मोबाइल ऑन हुआ तो समझिए कोचिंग खुल गया, मोबाइल बंद तो कोचिंग बंद हो गया, ठीक है। तो अगर कभी कभी कुछ सिलेबस वगैरह छूट जाता था आपका, मान लो किसी दिन तबियत खराब है, चाहे मम्मी कहीं लेके चले गई, तो फिर वो उसको मैनेज कैसे करते थे? जैसे कुछ मतलब छूट गया का चैप्टर हम पढ़ा दिया, आप लाइव नहीं देख पाए तो उसको रिकॉर्डेड देख लेते थे, लेकिन बैकलॉग नहीं लगने देते थे उसी दिन, चाहे उसके लिए हमको दो घंटा लेट ही क्यों ना सोना पड़े, लेकिन पूरा करके ही सोते थे। अच्छा, चलो आपने सिलेबस पूरा कब तक कर लिया था? लगभग अक्टूबर तक। अच्छा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस सेट लगाया था? हाँ सर, आप जो देते थे ना पांच पांच प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट का, तो हम लगाते थे और क्वेश्चन बैंक से भी लगाते थे। बिल्कुल, इन्होंने प्रैक्टिस सेट भी लगाया और एग्जाम में आपने दो पेन से लिखा है, जैसा कि मुझे बताया था, ब्लू और ब्लैक। तो आप जैसे कि नैन्सी, एक सबसे बड़ा बच्चों का प्रॉब्लम होता है लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय सवाल, चाहे वो साइंस का हो, एसएसटी का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, तो क्या आप दीर्घ उत्तर सवाल को पूरा रट के लिखे थे या अपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने शब्दों में लिखना है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सारा आपको अपने शब्दों में लिखना है, जैसा कि उसमें लिखा हुई होता है कि परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में। अरे मुझे सब कुछ याद आ रहा है क्लास का सिर्फ। आप जो बताते थे तो अपने शब्दों में आपने लिखा। नहीं, बहुत अच्छा जी। मैं तो यही कहूंगा नैन्सी कि आप जहाँ से रह करके आप इस मुकाम को हासिल किए हो, आगे आगे आप किस चीज की तैयारी करना चाह रहे हैं? नीट की। अच्छा, नीट की। अच्छा, मैं तो भूल ही गया बच्चों कि इनका जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो सुपर 50 लाया गया है उसमें इनका चयन भी हो चुका है, ठीक है। तो नीट की तैयारी कर रही है, हो सकता है जी भविष्य में आप जाके डॉक्टर बनेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप बनेंगी तो, ठीक है। बस अंतिम में जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप आप बताइए कि दीदी होने के नाते उनके लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं बच्चों को? हम बच्चों को यही सलाह देना चाहते हैं कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस लगन और मेहनत से आप स्टार्ट करते हैं आपको वो बरकरार रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि शुरू में तो बहुत पढ़ते हैं मन लगा के, लेकिन बीच बीच में आते आते जो है वो अपना मेहनत कम कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। और सर का अगर साथ है तो कुछ भी हो सकता है, बस संजय सर साथ हैं। संजय सर जैसे जैसे आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, वैसे सर तो हेल्प करते ही रहते हैं बीच बीच में, सर जैसे जैसे बताएंगे आपको वैसे वैसे बस फॉलो करना है, अपना 100% देके पूरी मेहनत करके आपको बिलीव रखना है ना सर पे। हाँ, खुद पे बहुत, सर पे बिलीव रखना है क्योंकि सर के बिना ऐसे कुछ, ठीक है बच्चों। तो सबसे बड़ा चीज होता है, मैं ही कहूंगा आप जिस भी शिक्षक से पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, मुझसे पढ़े, कहीं पढ़े,
पहले जिस शिक्षक से आप पढ़ते हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास करें, तभी कुछ कर सकते हैं। बस आपसे अंकल जी पूछना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स को ये लगता है कि ऑनलाइन पढ़ के नहीं हो सकता है, जो गार्जियन है बच्चों के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं भारत सरकार जो कि वर्तमान में मोदी सरकार है और स्टेट में नीतीश सरकार जो है, ये दोनों विकास पुरुष के रूप में है। आज देश में जो टेक्नोलॉजी है हाँ, और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, ये सरकार ने ऐसा माहौल बनाया जो आज मेरे नैन्सी ने, मेरी बेटी ने, उस मोबाइल का सदुपयोग करते हुए, आपको जानकर खुशी होगी सर कि इसका कोई भी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है, इसको मोबाइल को सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है और शुरू से इसके ऊपर हम गार्डिंग रखें कि ये सोशल मीडिया पर ना जाए, बराबर हम बनाए रखें, ध्यान देते रहें। चलिए बच्चों, तो अंकल जी का कहना है कि देखिए बच्चे को फ़ोन तो आप दीजिए पर थोड़ा सा ध्यान देना आपका ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा सा अगर आप उनके ऊपर ध्यान देते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा और नैन्सी की तरह ही पढ़ के कोई और दूसरा बच्चा एक दिन ज़रूर अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट टॉपर बनेगा। ठीक है, तो आप सभी को नैन्सी की पूरी कहानी कैसी लगी बच्चों? ऑनलाइन एक मोबाइल के माध्यम से ज़िला टॉपर तक का सफ़र, भागलपुर ऐसे एकदम पढ़ाई के मामले में बहुत आगे है बच्चों, उस ज़िले का टॉपर बनना बहुत बड़ी बात है। एक बार आप सभी लोग नैन्सी के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।